अरे क्या बोल रहे हैं, अरे प्लीज यार बात करें, क्या मतलब और हमने तो कह दिया उसको, हमने उसे अधिकारी को दिया कि अगर आप पैसे बता दो कि अगर वो जितेंद्र को वापस ला दे तो जितने पैसे थे हम अभी मंगवा लेंगे। 50 लाख नहीं 50 लाख देंगे, मंगा के देंगे, मेरे जवान है अभी आप देखने किसी की पैदा करना नहीं आना किसी के दबाव में। ये सीनियर लोग हैं दोनों, आप संभालो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं तो कौन रुके भैया, 5 मिनट आपसे बात कर रही हूँ, स्पेशली जो गांव के लोग हैं उनसे। अरे भैया जो हो गया वो तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो हो रहा है उसको तो बदला जा सकता है। जो यहाँ के पता लगा मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा या पुराने वीडियो वगैरह में देखा यूट्यूब पे कि ऐसा भी हुआ करता था, और मुझे बड़ा ताज्जुब है कि ऐसे में भी लोग जी रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे। जितेंद्र इसलिए नहीं हमारे बीच से चला गया कि वो इस पे चुप था, वो इस पे मुखर था और वो इसके विरोध में खड़ा हो रहा था, इसलिए उसकी जान गई। लेकिन क्या हम और किसी जितेंद्र को खोना चाहते हैं? गुलामी और गुलाम की कोई जात नहीं होती, गुलाम गुलाम होता है, उसका एक ही धर्म होता है गुलामी का। और मैं समझता हूँ आजाद भारत में गुलाम पैदा नहीं हुए सर। तो जो लोग इस तरह की वो रखते हैं उनमें से कुछ लोग यहाँ भी होंगे, मैं उनसे भी कह रहा हूँ इंसान बनो भाई, इंसान बनो, जानवर मत बनो ना। किस बात का कमेंट ले रहे हो, किस बात का दम ले रहे हो, ये तो समय समय की बात है। घेर के मारते हो कायरों की तरह और ताकतवर समझते हो, नहीं हमारे आपसे बिल्कुल लड़ाई नहीं है। आप इंसान बन के अपने घर रहो और हमें अपना काम करने दो, हमारे हमें तो हम तो एजुकेशन को तरक्की का रास्ता मानते हैं, लेकिन जो अधिकार बुनियादी सबको हैं वो हमारे अधिकार हैं, उनको कोई छीनेगा नहीं। और मेरी आपसे वादा है ये जो हजारों साल से यहाँ परंपरा चली आ रही है ना, जिनको हमने पुराने उसमें किताबों में कुप्रथाओ के रूप में पढ़ा, ये एक साल के अंदर ना कटी तो मैं जीवन में काम करना बंद करके घर बैठ जाऊंगा। मेरी बात को आप याद रखना पानी नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट बात, हमने जो मांगे थे उन पे बात की है, यहाँ अधिकारी हैं, वहाँ लाखों लोगों की भीड़ खड़ी है, हमें उनके बीच में जाना है और हम चाहते हैं मांगे पूरी हो। और फिर हमने एक बात स्पष्ट तौर पे कही है, हमारे अधिकारी यहाँ खड़े हैं सीनियर, हमारे भाई भी यहाँ खड़े हैं, उपकार भाई खड़े हैं, सतपाल भाई खड़े हैं, शैलेश भाई खड़े हैं, अगर मांगे पूरी नहीं होती फिर जो विद्रोह होगा उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की होगी, हमारी नहीं होगी। क्योंकि आम जनता क्या कर सकती है, उसको अधिकार है आंदोलन करने का, करेगी। लेकिन हमने तय किया कि इस बार आंदोलन यहाँ नहीं होगा भाई, आंदोलन वहां होगा जहाँ इस प्रदेश के मुखिया शांति से इसमें पड़े सो रहे हैं और यहाँ हम लोग खून प्यास हो रहे हैं। अगर वो चुपचाप बैठ पड़ के सोएंगे तो हम भी यहाँ नहीं धूम में होंगे, फिर हम उनके दरवाजे तोड़ के ना उनके यहाँ घुसेंगे। इस बार आंदोलन जयपुर में होगा और जो समय अभी हमें मिल जाएगा वो हम चाचा जी तक पहुंचा देंगे, भैया तक पहुंचा देंगे। अब ऐसे उपकार भाई यहीं रहेंगे, अभी वो यहीं है, जितना वहां जब पहुंचेंगे उपकार भाई यहीं रहेंगे, अभी खूब बताएंगे। मेरी आपसे अपील, अगर ऐसे रहोगे ना सर टूट जाओगे, ऐसे हो जाओ। एक सीमा भी तो होती है कि सब्र की एक सीमा होती है, शोषण की एक सीमा होती है, क्यों नहीं उस सीमा को खत्म कर पा रहे? सबसे बड़ी कमजोरी डर है, उस डर को निकाल दो, ये गुलामी अपने आप छूट जाएगी। और जो ऐसे, लोग ऐसे, बनाते जैसे हैं आज इकट्ठे हुए उनको बनाओ इंसानियत, जैसे इकट्ठे हुए आज ऐसे इकट्ठे हो गए। देखो एक बात, मैंने तो मेरे पिताजी कहते थे कि फूस का भी, फूस की भी जो लकड़ी होती है वो भी ताकतवर होती है, हम तो इंसान है, एक लकड़ी को तोड़ा जाता है, हजार लकड़ी को नहीं तोड़ा जाता, एक बार हजार बन के तो देखो। हम तो आपस में घमंड लिए पड़े, इस घमंड को नीचे करो सर। इंसान अगर अपने अधिकार चाहिए तो जुटना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। आप लोग तो यहाँ लड़ते हैं, लेकिन हम तो बस आपसे कहने के लिए आए, क्योंकि लड़ना तो आपको 24 घंटे 7 दिन नहीं पड़ेंगे हम लोग यहाँ। लेकिन अगर आपने खुद तय कर लिया कि आप नहीं सहेंगे तो फिर किसी की हिम्मत नहीं कि आपको सहना पड़ेगा। तो मेरी आपसे अपील है, एकजुट होइए।
और आखिरी बात के साथ यहाँ से विदा लूंगा, ये मेरा घर है और ये उन लोगों के लिए जिन दो लोग अपने आप को ताकतवर समझ रहे हैं सत्ता के दम। जितेंद्र चला गया है, चंद्रशेखर आ गया, जितेंद्र के रहते वो नहीं आ पाया, लेकिन यहाँ मेरी चार बहनें रहती हैं, दो की शादी हो गई, दो भी है भाई, मेरा भाई रहता है बड़ा मुझसे, मेरे चाचा और मेरी माँ सब लोग रहते हैं, इनकी तरफ आग उठाने वाला आदमी जयंत नहीं छोएगा, ये मेरी जवान, और मैंने जब जवान दी तो फिर चाहे कुछ भी, ये हमारे लोग हैं, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है और ये समाज मेरा परिवार है, इसके खिलाफ आग उठाने वाले को फिर तो जैसा वो जुल्म करेगा वैसा सहना पड़ेगा। धन्यवाद, और मैं चाहने की चाहता हूँ अब ये मूछों की जिम्मेदारी जो है ना आपके कंधों पे छोड़ के जा रहे हैं, हम तो खूब बड़ी बड़ी रखने मत देना। आजाद भाई, जिंदाबाद, आजाद भाई, जिंदाबाद।